नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये आर्टिकल आपका WTO यानी कि विश्व व्यापार जो संगठन है, इसमें सुधार की बात की जा रही है। वैसे तो आप लोग देखते हैं कि हमेशा से ही इस तरह के जो भी संगठन है, फिर चाहे आपका यूनेस्को हो, फिर चाहे UNA हो, फिर चाहे आपका WHO हो, इन सभी में आपका देखते हैं आप लोग की सुधार की बात की जाती रहती है। तो अभी देखेंगे हाल में क्यों इसमें WTO में सुधार की बात की जा रही है। WTO की कार्य व संरचनाओं की बात करेंगे और WTO का आखिर महत्व कितना है इतना, तो उसे भी देखेंगे। हालिया जो मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे और WTO को प्रासंगिक बनाए रखने के हेतु क्या उपाय हो सकते हैं, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, आपके जितने भी संगठन हैं, फिर चाहे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या फिर राष्ट्रीय संगठन हो, उन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। तो आपके महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है, उसी में सभी संगठन आपके डले हुए हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जिस संकट से गुजर रहा है अभी, वह किसी से छुपा नहीं है। मौजूदा समय में वैश्विक व्यापार नियमों में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जहां कोविड महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किया है, वैश्विक व्यापार को संरक्षित करने और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए WTO को पुनः सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। आप समझिए कि आप देखते हैं, अभी आपने जब चाइनीज ऐप बैन किए, तब आपने सुना होगा कि चाइनीज जो भी हैं, चाइनीज कंपनी या चाइना WTO का रुख अपना सकता है, यानी कि WTO में जा सकता है। आप देखते हैं कि बहुत समय से आपने देखा है कि ट्रेड व्यापार ट्रेड युद्ध चल रहा है किन किन के बीच, चाइना और अमेरिका के बीच। तो इसमें भी अभी आप देखते रहते हैं कि WTO की भूमिका नगण्य देखी जा रही है, यानी कि कोई उसमें WTO काम ही नहीं कर रहा है जिससे इन दोनों को रोका जा सके। तो इसीलिए सुधार की बात की जा रही है इसमें, यानी कि संशोधन कुछ अच्छी संरचना। अगर हम लोग WTO के कार्य और संरचना की बात करें, तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में तत्कालीन सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया। WTO का मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और इसमें आपके 164 देश सदस्य हैं। कितने? 164। इसके मुख्यालय की अगर हम लोग मैप्स में बात करें, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, देख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत एशिया में। और जैसे ही आप लोग यूरोप चलेंगे, यूरोप में आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड, ये है हमारा स्विट्जरलैंड, और यहां आप देखेंगे ये है आपका जेनेवा, यहां है इसका मुख्यालय। ठीक है, अगर हम लोग विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्यों की बात करें, तो इसका काम है व्यापार समझौतों को प्रशासित करना और व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करना, व्यापार विवादों को सुलझाना, व्यापार नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण देना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना। अब आप सोचिए कि ये सभी कार्य आपके WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के हैं। अभी आप बीच में देख रहे थे कि किस तरह से ट्रेड वार चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच, फिर भी आपने देखा है कि WTO ने कोई मतलब इसमें निर्णय लेने की या फिर समझौता करने की बात नहीं की है। तो एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगने लगता है इसकी कि ये है ही क्यों आखिर, अगर किसी देश को नहीं रोक सकता है या इस तरह की समझौतों को नहीं कर सकता है, तो फिर इसका मतलब ही क्या है, समझ रहे हैं? विश्व व्यापार संगठन की संरचना की बात करें अगर हम लोग, तीन स्तरीय होती है इसकी संरचना। पहली आपकी मंत्री स्तरीय सम्मेलन, दूसरा है सामान्य परिषद, तीसरा है महानिदेशक एवं सचिवालय। WTO की जो शीर्ष इकाई है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, WTO के सभी नीतिगत निर्णय होते हैं जो और समझौते होते हैं, इसी के द्वारा लिए जाते हैं। किसके? मंत्री स्तरीय के द्वारा। इसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक एक प्रतिनिधि होता है, यानी कि 164 देश हैं आपके, एक एक प्रतिनिधि सबसे लिया जाएगा। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्षों की अवधि में एक बार अनिवार्य रूप से होती है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन के निर्णयों एवं समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए
एक सामान्य परिषद यानी कि जनरल काउंसिल की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रहते हैं। सामान्य परिषद को अन्य समितियों के लिए नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर हम सामान्य परिषद की सहायता के लिए सेवा व्यापार परिषद, वस्तु व्यापार परिषद, व्यापार से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार परिषद बनाई गई है, जो सामान्य परिषद की देखरेख और एवं सामान्य निर्देशन के अंतर्गत कार्य करती है। विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों एवं समझौतों के कार्यान्वयन के लिए जेनेवा में एक सचिवालय है। कहाँ? इसके मुख्यालय जहाँ है वही एक सचिवालय है, जिसके महानिदेशक की नियुक्ति मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की जाती है। इसके अधिकार, कर्तव्य और सेवा शर्तों का निर्धारण भी मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग WTO के महत्व की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसका महत्व है तभी तो ये चर्चा में बना हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो आपके विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, इनमें मतलब एक समान इनके साथ व्यवहार व्यवहार करने की बात की जाती है, कोई भेदभाव ना रखने की। इसमें प्रत्येक देश को एक समान मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। आप समझिए कि चाहे फिर विकसित देश हो या विकासशील हो या फिर अविकसित हो, सबको एक समान मत देने का अधिकार है। किसी के पास स्पेशल पावर नहीं है, समझ रहे? जैसे आप देखते हैं यूएन के पावर, यूएन में 5 देशों के पास पावर है, वीटो पावर रहती है, इनमें आपकी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। MFN यानी कि मोस्ट फेवर नेशन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में सभी सदस्यों के अधिकार सुरक्षित हों। विवाद निपटान निकाय व्यापार नियमों को लागू करता और सभी देशों के मुद्दों पर समान रूप से विचार करता, इसलिए नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए WTO जैसी संस्थाओं का सक्रिय रूप से कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग WTO से जुड़े हालिया मुद्दों की बात करें, तो WTO निम्नलिखित मुद्दों के कारण चुनौतियों का सामना पड़ रहा है। कौन कौन सी है? सर्वसम्मति बनाने की समस्या। WTO 164 सदस्य देशों का एक बड़ा निकाय है, इसलिए इतने सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना कठिन कार्य हो जाता है। ये वैसा ही हाल है कि आपने देखा होगा, आप सोचिए अगर आपके यहाँ सरपंच ना होता और सभी गांव वालों को अपने अपने निर्णय लेने की, अपने अपने किसी समस्या को सॉल्व करने की आजादी होती, तो देखिए हर आप समझते हैं कि गांव में या फिर उचले ऊंचे स्तर पर आप ले सकते हैं, तो सभी में एक सहमति नहीं होती है। एक मुद्दा है कोई भी तो उस पर सबकी एक जैसी भी सहमति नहीं होती है, समझ रहे? तो इसमें भी यही देखा जाता है कि एक जैसी सहमति नहीं रहती है 164 देशों की। प्राथमिकता में विचलन। दोहा विकास एजेंडे की प्राथमिकताएं विकासशील और अविकसित देशों की ओर अभिमुखित है। दोहा एजेंडा का सीधा संबंध विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा से है। इसके तहत विकसित देशों को अपने यहाँ कृषि सब्सिडी में कटौती करनी है। दोहा एजेंडे पर सहमति नहीं बन पाई और उभय दौर भी इन देशों के विकास को बढ़ावा देने और इनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने पर केंद्रित है, जबकि विकसित राष्ट्र ई कॉमर्स, निवेश सुगमता, सेवा व्यापार, लिंग मानदंडों जैसे मुद्दों के आधार पर नया एजेंडा प्रस्तावित कर रहे हैं। एक बात आप लोग याद रखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने CERT पढ़ी हुई है, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ के किसान किस साल में जी रहे हैं और अमेरिका बाकी देशों के किसान किस साल में जीते हैं, क्योंकि देखिए उनके यहाँ सरकार की तरफ से काफी मदद दी जाती है, तो उनके यहाँ के जो किसान है उनकी स्थिति काफी अच्छी रहती है, समझ रहे? आप सोचिए कि जिन्हें मदद दी जा रही है उनसे हमारे यहाँ के किसान थोड़ी बराबरी कर सकते हैं। ये तो हाल वैसा ही है कि आप सोचिए एक एक लड़का किसी बस्ती में रहता है, उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और एक लड़के को VIP स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो हर तरह से सुविधाएं दी जा रही है, तो उस लड़के से मतलब बस्ती वाला लड़का कहाँ कंपटीशन में आ पाएगा उनकी, समझ रहे हैं आप लोग? विवाद निपटान निकाय की निष्क्रियता, DSB। अमेरिका द्वारा पिछले कुछ वर्षों में WTO के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को अवरोध किया जा रहा है। इसका गंभीर प्रभाव WTO की विवाद निपटान प्रणाली पर भी पड़ रहा है। क्षेत्रीय व्यापार समझौते में वृद्धि और WTO की बौद्धिक संपदा
और श्रम कानूनों में बढ़ते प्रावधान भी नई चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं। प्रशांत देशों के बीच ट्रांस पैसिफिक साझेदारी इसी का एक उदाहरण है। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में अपने अपने तरह से व्यापार भी समझौते होने लगे हैं, तो इससे भी WTO पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है, इसका महत्व तो घटने लगा है। विश्व व्यापार संगठन को दरकिनार करते हुए व्यापार युद्ध जैसी परिस्थितियों को पैदा किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कितना ही ये युद्ध हो जाता था पाकिस्तान से हमारा, हम लोग व्यापार कभी बंद नहीं करते थे, कितनी भी बुरी स्थिति हो, कितने भी बुरे हमारे समझो रिश्ते हो, लेकिन आपने देखा कि व्यापार बराबर चलता रहता था। क्यों? क्योंकि WTO का एक डर रहता है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि कई देशों से व्यापार बंद कर दिया जाता है पूरी, फिर भी WTO कोई इसमें निर्णय नहीं लेता है, कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करता है। विकासशील देशों की वर्गीकरण मानदंडों जैसे कई मुद्दों के नाम पर USA द्वारा WTO के साथ सहभागिता में अनिच्छा जाहिर करना। और अभी देखिए, USA ऐसा देश है कि जहां से जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, हर संधि समझौते से ये बाहर निकलते जा रहे हैं, आपने देखा होगा। और आप जानते हैं कि सबसे एक तरह से पैसा इसमें दान देने वाला, फिर चाहे आप सोचिए कि मदद करने वालों वाला किसी भी संगठन की, USA ही था। तो USA निकल रहा है इस तरह की संगठनों से, तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह एक खड़ा हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में से अधिकांश देशों द्वारा आर्थिक नीतियों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया एवं WTO इन संरक्षणवादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने में विफल रहा है। COVID-19 महामारी के कारण इन संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा मिला, जो कि चिंता का एक विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं WTO की प्रासंगिकता को बनाए रखने हेतु उपाय क्या हो सकते हैं। WTO की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझावों को अपनाया जा सकता है। कौन कौन से? WTO के सदस्य देशों को नए महानिदेशक की शीघ्रता से नियुक्ति करनी चाहिए। महानिदेशक का मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच सहमति बनाना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि महानिदेशक राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष हो, यानी कि ये मतलब एक तरह से आप समझिए, तटस्थ और निष्पक्ष का मतलब यही है कि ये किसी के साथ किसी का पक्ष ना ले, समझ रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। WTO के सुचारू संचालन के लिए USA को इसमें संलग्न किया जाना चाहिए। WTO की प्रक्रिया के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए सदस्य देशों की वास्तविक चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए। विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना विवाद निपटान तंत्र के WTO की प्रासंगिकता ही धूमिल हो जाती है। इसके लिए USA को भी आश्वस्त किया जाना चाहिए। जून 2021 में होने वाली आगामी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के एजेंडे को सीमित किया जाना चाहिए, ताकि इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और इससे संगठन की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो सके। इसके अलावा WTO को चीन और उसके उसकी व्यापार प्रथाओं पर भी फिर से विचार करना होगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि चीन विश्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, बल्कि इसलिए भी कई देश चाहते हैं कि संगठन चीन के राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों, उसके द्वारा तकनीकी हस्तांतरण और गैर बाजार अर्थव्यवस्था की भूमिका जैसे मुद्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन ई कॉमर्स, निवेश, सेवाओं, व्यापार जैसे मुद्दों के लिए मध्यम अवधि में भविष्य की बातचीत का एजेंडा भी तय करना चाहिए, और इसमें विकासशील देशों की समस्याओं को भी संबोधित किया जाना जाने समेत दोहा एजेंडे की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुपक्षीय व्यापार समझौते को WTO के अंतर्गत लाया जा सकता है, और भविष्य में इन समझौतों में अन्य देशों के शामिल होने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि महामारी, संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध जैसी चुनौतियों के बीच वैश्विक व्यापार एक अनिश्चित समय में का सामना कर रहा है। जो विश्व व्यापार संगठन COVID-19 के बाद की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संरक्षित करने और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए WTO की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक निकाय का कार्यकल्प किया जाना आवश्यक है, क्योंकि आप जानिए कि कुछ समय के बाद देखिए कि कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, उसके बाद व्यापार
वो नहा चालू हो जाएगा, तो उस समय के लिए तैयार हो जाना चाहिए WTO को। ठीक है, ये था आपका विश्व व्यापार संगठन में जो सुधार की बात की जा रही उसी से संबंधित आर्टिकल। ठीक है।